हमारा बूरा इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है और अभी हमारे लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। एक बार इस तरह से बेसन के लड्डू ट्राई करके देखिए, बहुत टेस्टी बनते हैं ये। देसी घी में लड्डू बनाइए बेसन के, और अब ये हमारे लड्डू बनके तैयार हो रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को बेसन के लड्डू बनाना। ये है बेसन, ये है घी। मेजरमेंट के लिए ये एक बड़ी कटोरी बेसन लिया है और इसी कटोरी से एक बड़ी कटोरी भर के हम देसी घी लेंगे, और एक बड़ी यही वाली मेजरमेंट के लिए इसी कटोरी के हिसाब से एक कटोरी पिसी हुई चीनी या फिर बूरा डालेंगे। बूरा या चीनी में से आप लोग कोई एक चीज चूज कर सकते हैं। इसको धीमे धीमे आंच में भूनेंगे बेसन को। घी हल्का सा गर्म हो जाए उसके बाद बेसन डालेंगे इसमें। घी हल्का सा गर्म हो गया है, अब हम इसमें बेसन डालते हैं। बेसन को धीमी धीमी आंच पे भून लेंगे। बेसन हमारा भुनना स्टार्ट हो गया है। इसको बराबर चलाते रहना है। बेसन से हल्की हल्की खुशबू आना स्टार्ट हो गया है। इस तरीके से एक बार आप लोग बेसन के लड्डू बनाइएगा, बना के ट्राई कीजिए। इस तरह से आप देसी घी में लड्डू बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनते हैं।
इसको बेसन को कंटिन्यू चलाते रहना है, अगर चलाएंगे नहीं तो बेसन लग जाएगा, जल जाएगा तली में बेसन। इसको स्लो फ्लेम पे ही हम भूनेंगे। देखो हमारा बेसन इतने अच्छे से भुन रहा है। बेसन हमारा आधे से ज़्यादा बन चुका है, इसको 2 या 3 मिनट और लगेंगे, बेसन बन के तैयार हो जाएगा। देखिए हमारा बेसन कितने अच्छे से भुन गया है। बेसन जब भुन जाए उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करने के बाद इसको 2 मिनट तक कंटिन्यू चलाते रहना है। कढ़ाई गर्म होती है इसलिए बेसन तली में जल जाएगा। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर रहे हैं क्योंकि बेसन हमारा पूरे तरीके से भुन चुका है। हम इसको 2 मिनट तक ऐसे ही चलाते रहेंगे। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और ये बेसन हल्का सा ठंडा हो चुका है। अब इसमें बूरा मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद फिर इसके लड्डू बनाएंगे। अब हमारे लड्डू बनकर तैयार हो रहे हैं।